इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर में नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर द्वारा आयोजित और नाकोड़ा भैरव भक्त द्वारा आयोजित भजन संध्या का आयोजन रखा गया है यहाँ पे, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर लाभ लिया है और बहुत ही शानदार भक्ति संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हमारे नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर के ग्रुप में हर महीने नाकोड़ा जी की यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जो 48 पूनम की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस बार पूनम पे हम 49वीं यात्रा को पूरी करने जा रहे हैं और ये हर माह के अंतिम रविवार को यहाँ नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर में नाकोड़ा भैरव जी के मंदिर में भक्ति संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बढ़ चढ़ कर लाभ लेते हैं। और ये करीब 28 साल पुराना मंदिर है और इसमें नाकोड़ा भैरव जी की सुंदर प्रतिमा का विराजमान है और भजन संध्या का कार्यक्रम हमेशा नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर का ग्रुप है, जो हर महीने की आखिरी रविवार को भजन संध्या का आयोजन रखवाता है। और कभी कभी किसी भक्त को अपने ओर से करना होता है तो वो भक्ति संध्या का आयोजन अपनी ओर से भी करवाते हैं। मैं मोहित गांधी, एडवोकेट अजमेर, और ये मेरा पूरे नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर का ग्रुप है। नवग्रह कॉलोनी अजमेर के अंदर नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल की तरफ से हर लास्ट संडे को भक्ति संध्या का प्रोग्राम किया जाता है। नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल अजमेर जो है 48 बस यात्रा लेके जा चुका है, हर पूनम पे जा रहे हैं। 48 पूनम कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ सभी भक्तगण जो है धूमधाम से नाकोड़ा भैरव जी की आरती तक करते हैं और रात तक जो है भक्ति संध्या चलती है। और इसमें सभी भक्तजनों का बहुत बहुत सहयोग रहता है और नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं खुद उनकी सदस्य हूँ, लेकिन इतना साधुवाद है उनको कि सभी को इतना समेकित करके एक माला को बना रखा है, अलग अलग मोतियों को पिरो के। तो जितने भी यहाँ के जो संयोजक महोदय हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब ये काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं और रात भर वहाँ बस में भी भक्ति संध्या चलती है, ऐसा लगता ही नहीं कि रात चल रही है, रात को 2 बज रहे हैं। और मतलब सभी भक्तजन इतने प्रसन्न मन से जाते हैं, लगता है कि ये दिन कभी समाप्त ही ना हो। तो नीतू खेवेसरा।